समाजवादी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख टिप्पणी जो पहले भी आया था कि ये पूरी जो मुजफ्फरपुर के होम शेल्टर का जो इतनी भी घटना है ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर है, यानी सरकार के द्वारा ही ये स्पॉन्सर किया गया और इसमें जितने भी नामे आए हैं जो भी आरोपी हैं या जिसका नाम का चर्चा भी चल रहा है और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको अभी भी बचा दिया गया है, मुख्यमंत्री ने बचाने का काम किया है, आखिर एक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और लगातार आपने देखा होगा जब ये घोटाला ये जिस प्रकार से ये आपका सामने आया होम शेल्टर का गैंगरेप का वारदात, तो 2 महीने बाद FIR होती है और 2 महीने बाद भी FIR में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम नहीं दिया जाता और जितने नाम आ रहे हैं वो केवल और केवल नीतीश कुमार जी के अगल बगल के चहेते नाम हैं और मुख्यमंत्री जी बिना कोई कार्रवाई किए पूरी तरीके से मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो मुख्यमंत्री जी को खुद आकर के जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो चुप्पी साधने का काम किया, यानी अपराधियों को जिस तरह से मन बढ़ाने का काम किया और जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अपराधी के सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हो, गिड़गिड़ाता हो, उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। अरे अपराधी इसलिए बेलगाम है पूरी तरीके से बिहार में क्योंकि इनके आका लोग सरकार में बैठे हुए हैं और चाहे कितना भी कड़ा टिप्पणी आ जाए सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये लोग गंभीर नहीं हैं। इन लोगों ने अब तक होम शेल्टर के मामले में अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराधियों को बचाने का काम किया गया है, पूरी तरीके से सबूतों को शुरू में नष्ट किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर निगरानी रख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब बताइए जितने एक्ट कॉस्को कितने एक्ट्स वगैरह हैं जो पहले पुलिस को लगा देने चाहिए थे लेकिन अब तक नहीं लगाए, तो कहीं ना कहीं से मंशा ये साफ दिखता है कि सरकार जो है अपराधी को जो अभी तो देखिएगा कि कुछ लोग ही पकड़े गए हैं इसमें, जो मेन जो लोग इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी जो हाई लेवल के जो लोग हैं उनको तो अभी भी बचाने का काम किया जा रहा है। तो ये देखिए समय रहते हुए सारा जो है पर्दा जो है फाश होगा और सच जो है लोगों के सामने आएगा, लेकिन बिहार की जनता हर एक चीज़ देख रही है कि किस प्रकार से बिहार सरकार जो है अपराधियों को बचाने में। एक छोटा सा सवाल कि अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, पूरे देश में राम राम का एक तरह से एक माहौल बना हुआ है, तो क्या आप चाहेंगे नीतीश जी सभी को अपना स्टैंड क्लियर करें क्योंकि बिहार में भी NDA के उनको क्लियर क्या करना, वो तो संघ के रंग में लिपट चुके हैं, तो नीतीश चाचा तो पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं, उनको क्या बोलना है क्लैरिटी का। और कुछ भी बोलेंगे बिहार की जनता हम लोग बेवकूफ़ है जो मान लेंगे, जो हर बात पे पलटी मारता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो वो अपना जो करते रहे, हम लोगों को काम से मतलब है, देश के प्रगति से मतलब है, बिहार के अधिकार मिले उससे हम लोगों को मतलब है, 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिले, मजदूर किसानों का जो है कर्जा जो है वो माफ़ हो और देश जो है सही दिशा में आगे बढ़े, शांति भाईचारा बना रहे, यही सब लोग चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है बिहार सरकार इस मामले में बिल्कुल नीचे रही है, नीचे नहीं अपराधी ही बिहार सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के अगर पहले के टिप्पणी को अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होम शेल्टर जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ है ये सरकार द्वारा ही स्पॉन्सर्ड था, यानी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड मतलब कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि बिहार सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें था और पूरी तरीके से अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा था। आप बताइए कि जितने नाम आए हैं सब नीतीश कुमार जी के खासम खास हैं और ये FIR कब हुआ, 2 महीने बाद FIR होता रिपोर्ट की और वो भी FIR में मुख्य आरोपी का नाम नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है ना कि सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही थी। और जिस राज्य का प्रदेश का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए कि अपराध मत कीजिए थोड़े दिन बाद कर लीजिएगा, तो ये कहाँ से शोभा देता है। तो बिहार तो ऐसे ही शर्मसार हो रखा है और अपराध का ग्राफ अगर आप लोग देखिएगा तो दुगुना हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो बयान, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है, कम से कम सरकार अभी भी गंभीर हो जाए। पहले के जब स्पॉन्सर जब बोला गया था
तब के लिए कॉस्को एक्ट लगाने का काम किया, तब की छोड़ दिया गया। यानी कार्रवाई में ढिलाई बरती गई है और जो इस वक्त जिस तरीके से कार्रवाई कर दी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि आका इनके बैठे हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं, निर्देश जो दे रहे हैं वही पुलिस कर रही है। पुलिस को इन सारे मामलों में स्वतंत्र होकर के जांच करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल दबाव में आकर के पक्षपात करना चाहिए। ठीक ठीक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।